प्रिय विद्यार्थियों, स्थानीय नगरीय शासन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम इकाई नगर निगमों के बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। जो शीर्षक है, महानगरों का स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, स्वायत्तता व उत्तरदायित्व। कई शीर्षकों के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना इंट्रोड्यूस करेंगे विषय को, फिर महत्वपूर्ण बात नगर निगम और नगर परिषद में अंतर, नगर निगम स्थापित करने के मापदंड क्या, शर्तें हैं कि नगर स्थापित होती है, नगर निगम का संगठन, नगर आयुक्त समितियां, नगर निगम के कार्य, इनकी वित्तीय व्यवस्था और नगर निगम का स्वायत्तता और उत्तरदायित्व, दोनों हालांकि एक दूसरे के विरोधी है, कहां तक ऑटोनॉमी है और कहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद इस वार्ता को कंक्लूड करूंगा। सबसे पहले यदि हम इनकी प्रस्तावना को देखने की कोशिश करें तो नगर निगम नगरीय स्थानीय प्रशासन की शीर्षस्थ, सबसे ऊपर एपेक्स की इकाई है, अर्थात सबसे बड़ी इकाई है और बड़े शहरों में हम देखते हैं नगरों का विस्तार हो रहा है। कोई नगर छोटे हैं, कोई बहुत बड़े महानगर बनते जा रहे हैं और इस कारण से महानगरों में जो स्थानीय शासन की इकाई है उसको नगर निगम कहा जाता है। और प्रथम नगर निगम की स्थापना बहुत पुरानी 1687 में मद्रास में हुई थी और इसके शताब्दी से भी ज़्यादा समय बाद बम्बई में 1888 में और उसके बाद कलकत्ता में 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में भारत के अनेक बड़े नगर हैं और हर एक राज्यों में कई सारे नगर निगम है, काम करते हैं, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ साथ नगर नहीं महानगर बनने लगे और जब महानगर बन गए तो उनका जो स्थानीय शासन है वो नगर निगम के द्वारा है, वो संचालित होने लगा। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, आपको नगर निगम और नगर परिषद में अंतर पता होना आपके लिए अनिवार्य है, उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। नगर निगम की स्थापना के लिए राज्य विधान मंडल द्वारा पृथक से विधान लाना पड़ता है, अर्थात कहीं भी राज्य में यदि नगर निगम की स्थापना करनी है कि ये शहर नगर बहुत बड़ा हो गया है, इसकी आबादी में वृद्धि हो गई है और इसमें अब नगर पालिका या नगर परिषद के स्थान पर नगर निगम की स्थापना करनी है तो इसके लिए पृथक से विधानमंडल द्वारा, उस राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून पास करना, विधान पास करना अनिवार्य होता है। जबकि किसी भी नगर में नगर परिषद की स्थापना करने के लिए कोई भी अलग से विधान की आवश्यकता नहीं होती। इसको मैं और क्लियरिफाई करूंगा। मान लीजिए एक शहर है, वो बहुत बड़ा हो गया, उसमें ऑलरेडी नगर परिषद काम कर रही थी पर अब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई, सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए, बजट बहुत बढ़ गया, तो उसमें यदि नगर निगम की स्थापना करते हैं करनी है तो संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका विधानसभा द्वारा कानून पारित करना पड़े। सपोज एक राज्य में नगर पालिका है जिसकी आबादी 1 लाख से कम है पर उसकी आबादी अब 2 लाख या 2.5 लाख हो गई, 3 लाख हो गई और नगर पालिका के स्थान पर उसमें नगर परिषद की स्थापना करनी है तो अलग से विधानसभा द्वारा कानून पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी, एक आदेश के द्वारा उसमें नगर परिषद की स्थापना हो जाएगी। मैं समझता हूँ आपको क्लियर इसमें भेद
स्पष्ट हो गया होगा कि नगर निगम की स्थापना करने के लिए आप विधानसभा द्वारा कानून पारित होना आवश्यक है, जबकि एक नगर पालिका कर्मोन्नत होकर के नगर परिषद यदि बननी है तो उसके लिए अलग से कानून पारित करने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी विधानसभा की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत बड़ा अंतर है पहला नगर निगम और नगर परिषद में। दूसरा, नगर निगम में दो तरह के विचारात्मक और कार्यकारी निकायों का पृथक्करण नगर निगम में पृथक्करण होता है। अब दो कार्य, विचारात्मक और कार्यकारी निकायों का नगर निगम में, अर्थात एक कानून पास करती है, दूसरा कानून को क्रियान्वित करती है, जबकि नगर परिषद में इस प्रकार का पृथक्करण नहीं होता। जो कानून पास करता है वही उन कानूनों को है वो क्रियान्वित करता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है। जनसंख्या और आय की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है। नगर निगम की स्थापना के लिए 5 लाख से अधिक की जनसंख्या चाहिए, जबकि नगर परिषद की स्थापना के लिए 1 लाख से 5 लाख के बीच में है वो जनसंख्या चाहिए, और आय भी नगर निगम के लिए 1 करोड़ से अधिक होनी अनिवार्य है, जबकि नगर परिषद के लिए इस प्रकार की कोई भी शर्त नहीं है। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है, आपने सुना भी होगा। मेयर उस नगर का प्रथम नागरिक, वो उसका कैसे निर्वाचन होता है इसको हम अलग, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। जबकि नगर परिषद के अध्यक्ष को मेयर नहीं कहा जाता, उसको नगर परिषद का चेयरमैन या अध्यक्ष है वो कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, नगर निगम में और नगर परिषद में। अब यदि हम कौन से नगर में नगर परिषद से नगर निगम स्थापित करनी है, इसके लिए क्या शर्तें चाहिए, क्या मापदंड है इसके लिए, नगर परिषद को नगर निगम में परिवर्तित या कर्मोन्नत करने के लिए क्या शर्तें हैं, इसके लिए निर्धारित किया गया है कि किस शहर में, नगर में नगर नगर स्थापित हो सकता है। हालांकि नगर निगम की स्थापना का निर्णय केंद्र सरकार नहीं लेती, संविधान में भी इस प्रकार की बात नहीं है, ये निर्णय राज्य सरकारों को लेना होता है। और मुख्य जो मापदंड है, घनी जनसंख्या वाले शहरों में, नगरों में जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक हो उसमें, और उस नगर की वार्षिक आय भिन्न भिन्न स्रोतों से 1 करोड़ या उससे अधिक हो तो उसमें नगर निगम स्थापित किया जा सकता है। दो शर्तें, एक तो आबादी जनसंख्या उस नगर की, दूसरा आय, उसकी वार्षिक आय जो 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। ऐसे नगरों में नगर निगम की स्थापना की जा सकती है। कौन करता है ये निर्णय, राज्य सरकार लेती है कि इस शहर में, नगर में अब नगर निगम की स्थापना की जाए, क्योंकि ये दोनों शर्तें हैं वो पूरी कर रहे हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, ऑर्गेनाइजेशन देखें, यदि हम नगर निगम का संगठन देखें तो संगठन हम कई पॉइंट्स में, कई बिंदुओं से बात करेंगे। सबसे पहला परिषद, जिसको जनरल काउंसिल कह सकते हैं हम, परिषद, परिषद के बाद मेयर तथा उपमेयर उसका, फिर एग्जीक्यूटिव, नगर आयुक्त कहा जाता है, तो कार्यपालक होता है वो मुख्य, उसको कॉरपोरेशन कमिश्नर कहा जाता है, फिर उसकी भिन्न भिन्न प्रकार की समितियाँ, इन शीर्षकों के अंतर्गत उसके संगठन की हम चर्चा करेंगे। और यही स्ट्रक्चर, संरचना है वो एक नगर निगम की होती है, परिषद सबसे पहले, फिर उसका मेयर और उपमेयर, फिर उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको आजकल नगर आयुक्त कहते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं वो, और इसकी भिन्न भिन्न समितियाँ। सबसे पहले परिषद, परिषद एक जनरल बॉडी है जो कानून निर्माण का काम करती है, और इसके सदस्य डायरेक्ट उस नगर की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो, और ये उस नगर की व्यवस्थापिका है या विधायिका कहलाती है, स्थानीय
स्थानीय लोकल लेजिस्लेचर कहा जाता है, एक बड़े नगर को जिसमें निगम है कई वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है। हर वार्ड से एक पार्षद, नाम सुना होगा प्रिय विद्यार्थियों आपने, एक काउंसिलर निर्वाचित होता है और वो जनरल काउंसिल का, इस परिषद का सदस्य बनता है। तो पहली कैटेगरी हो गई निर्वाचित, इलेक्टेड काउंसिलर्स, निर्वाचित पार्षद जो कि पूरे शहर को भिन्न भिन्न वार्डों में विभाजित करके प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन होता है उनका निर्वाचित। दूसरा, जब इसके निर्वाचित सदस्य आ जाते हैं और इनकी मीटिंग होती है तो कुछ कॉप्टेड मेंबर को लिया जा सकता है, सवर्त सदस्य। ये इलेक्टेड परिषद निर्णय करती है कि कॉप्टेड मेंबर कितने लिए जाए। अब इसकी संख्या मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, कारण इसका यह है कि कितने पार्षद होंगे, कितने कॉप्टेड मेंबर्स होंगे, ये भिन्न भिन्न नगरों में स्थिति भिन्न भिन्न है। नगर निगम का कितना बड़ा है, उस नगर की आबादी कितनी है, इसके अनुसार कितने वार्डों में वो विभाजित है, कितने पार्षद चुन करके आए हैं, उसकी संख्या के अनुपात में कितने सदस्यों को है वो सवर्त किया जाना है, कॉप्टेड किया जाना है, इसकी संख्या है बिल्कुल अलग अलग होती है। इसके अतिरिक्त परिषद में आरक्षण की व्यवस्था है, एससी को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नगरीय स्थानीय संस्थाएं और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है जो कि विधानसभा और लोकसभा में नहीं है। यदि आयु की बात करें हम कि कितने आयु के व्यक्ति, उस नगर के नागरिक पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं, ये न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। जहाँ विधानसभा और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, नगर निगम और नगर परिषद के लिए ये आयु 21 वर्ष है। कार्यकाल इसका, नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जो कि विधानसभा और लोकसभा का भी है, पर उससे पहले भंग की जा सकती है। अब भंग करने की विधि क्या है वो अलग से बात है कि अविश्वास का प्रस्ताव आए और मेयर के खिलाफ भंग की जा सकती है, लेकिन भंग होने की तिथि से 6 माह की अवधि में पुनः चुनाव होना अनिवार्य है। कोई भी नगर बिना नगर निगम के 6 मंथ से अधिक, 6 महीने से अधिक है वो नहीं रह सकता है। तो ये पहली इकाई इसकी, जनरल काउंसिल परिषद, जिसके सदस्य पार्षद होते हैं, कुछ निर्वाचित होते हैं, कुछ सवर्त होते हैं, इसमें एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण होता है, न्यूनतम आयु पार्षद बनने के लिए 21 वर्ष है और इसका कार्यकाल है 5 वर्ष का है, उससे पहले भी भंग की जा सकती है। यदि भंग की जाती है तो 5-6 महीने के अंदर अंदर नए निर्वाचन हो जाने चाहिए। अब नगर निगम का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है एक मेयर और एक उपमेयर, इसको शहर का, नगर का प्रथम नागरिक कहा जाता है, सिंबल ऑफ दैट सिटी, उस नगर की शान का, गरिमा का वो प्रतीक होता है। समस्त कार्यकारी शक्तियों का भार नगर निगम पर नहीं, नगर आयुक्त पर अधिक होता है, पर जब जनरल परिषद कानून निर्माण का कार्य करती है तो उसकी अध्यक्षता करने का काम है वो मेयर करता है। मेयर के अतिरिक्त एक उपमेयर होता है। अब इसका चुनाव कैसे होता है, बीच में कुछ राज्यों में मेयर का चुनाव डायरेक्ट कर दिया था, प्रत्यक्ष कर दिया था, उसके बाद फिर जिस दल को पार्षदों का बहुमत होता है उसका मेयर है चुना जाता, पुनः इस तरफ स्विच ऑन कर दिया। पहले कभी कभी स्थिति ये हो जाती थी कि पार्षदों की संख्या एक दल की होती थी, बहुमत दूसरे दल का होता था, मेयर किसी और दल का चुना जा सकता था क्योंकि वो डायरेक्ट मतदाताओं द्वारा चुना जाता था। तो इस व्यवस्था को ख़त्म करके सामान्यतः अब मेयर पार्षद में जनरल काउंसिल के बहुमत दल का नेता मेयर चुनता है और अपने में से ही एक उपमेयर का चुनाव होता है जो कि मेयर की अनुपस्थिति में मेयर का कार्य करता है।
ये तो इलेक्टेड है, मेयर और उपमेयर पार्षद के रूप में इलेक्ट होंगे तभी वो मेयर और उपमेयर बनेंगे। इसके अलावा कार्यकारी शक्तियों को काम में लाने के लिए एक नगर आयुक्त होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है। ये कार्यकारी शक्तियाँ आयुक्त में निहित होती है। जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो कानून निर्मित करते हैं, उनमें विमर्शात्मक पर डिबेट करते हैं, वो निर्णय लेते हैं। इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए एक नगर आयुक्त होता है। इसको पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहा जाता था, आजकल इसको आयुक्त कहा जाता है। और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का IAS कैडर का या राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो सकता है। अनिवार्य नहीं है कि वो IAS भी हो, राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी भी हो सकता है। और इसको सरकार के द्वारा, उस राज्य की सरकार द्वारा है, उसको नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और वित्तीय शक्तियाँ निहित होती है। इसमें वो व्यवस्थापिका की गतिविधियाँ, उसके एजेंडा, उनको तैयार करवाता है। कार्यपालिका परिषद के निर्णयों को क्रियान्वित करता है मेयर के आदेशों के अनुसार। वित्तीय शक्तियाँ में वो बजट तैयार करवाता है, प्रस्तुत करवाता है और इम्प्लीमेंट कराता है। तो ये जनरल काउंसिल के बाद मेयर और उपमेयर, उपमेयर के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको कि म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है, आजकल आयुक्त कहा जाता है। इसके अलावा कई प्रकार की समितियों में काउंसिल अपने आप को विभाजित कर देती है, उसको समितियां कहा जाता है, जो कि संवैधानिक समितियां और गैर संवैधानिक समितियां। यहाँ पर इनका अंतर जानना बहुत अनिवार्य है प्रिय विद्यार्थियों। संवैधानिक समितियां मतलब जिनका संविधान में प्रावधान है, 14वें संशोधन विधेयक में जब ये क्लोज जोड़ा गया संविधान में, तो उसी में प्रावधान कर दिए गए कि ये तो संवैधानिक समितियाँ होगी। इसके अलावा अन्य गैर संवैधानिक समितियाँ जो वो खुद अपनी आवश्यकता के अनुसार समितियों का गठन करता है जनरल काउंसिल, तो उसको गैर संवैधानिक समितियाँ कहा जाता है। संवैधानिक समितियाँ मुख्यतः, केवल मैं नाम लूँगा, उनका कंपोजिशन के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, वो कार्यपालक समिति, वित्त समिति, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, भवन निर्माण कार्य समिति, नियम व उपविधि समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, अपराधों का समन और समझौता समिति, ये भिन्न भिन्न समितियाँ जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। इन समितियों में 7 सदस्यों से अधिक नहीं होते हैं, उससे कम हो सकते हैं पर अधिक नहीं होते। तो ये समितियां तो संविधान में प्रावधान है, अनिवार्य रूप से हर नगर निगम में होती है। नाम से ही स्पष्ट है कि ये कौन कौन से कार्य करती है। इसके अलावा गैर संवैधानिक समितियों का भी गठन किया जा सकता है और इनका गठन नगर निगम की परिषद, जिसके सभी पार्षद सदस्य होते हैं, अपने प्रस्ताव से इनका गठन करती है। इसके अलावा वार्ड समितियां, महानगरीय आयोजना के लिए अन्य समितियां भी होती है। तो जहां संवैधानिक, उनका उल्लेख संविधान में है और निश्चित है कि कौन कौन सी समितियां होगी। गैर संवैधानिक समितियों का उल्लेख संविधान में नहीं है, परिषद खुद अपनी आवश्यकता के अनुसार इन समितियों का गठन करती है, जिसका कि हम एक सूचीबद्ध नहीं कर सकते कि ये समिति जरूरत होगी। समिति बनाई जाती है, जरूरत नहीं होने पर उसको भंग कर दी जाती है। इवन वार्ड लेवल में भी है, वो समितियां बनाई जा सकती है। अब यदि नगर निगम के कार्यों को देखें तो कार्यों को सामान्यतः किसी भी के कार्य, भले राज्य हो, उसमें कार्यों को दो भागों में बांटा जाता है, एक अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। इसके अलावा विशेष कार्य भी किया है, जैसे चिकित्सा सहायता, अकाल, ये विशेष है। इनका संविधान की 12वीं अनुसूची में कुछ कार्य गिनाए गए हैं और 18 विषय है वो नगर निगम को दिए गए, शेड्यूल 12 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक दर्जा। 18 विषय गिनाए गए हैं जो कि जिस पर निर्णय है वो नगर निगम लेगा। तो अब हम कहेंगे केंद्र सूची 1, राज्य सूची 2,
अब स्थानीय निकायों के अधिकारों की सूची एक अलग से बन गई है कि कौन कौन से विषयों पर वो कार्य करेगी और कानून बनाएगी। तो इस तरह से इन कार्यों का हम अनिवार्य कार्य जो कि संविधान में निर्धारित है, ऐच्छिक कार्य जो कि वो खुद परिस्थितियों के अनुरूप करती है, और यदि हम गिनने की कोशिश करें तो सफाई, स्वास्थ्य, बीमा, गृह निर्माण की अनुमति, लाइट, कई तरह के कार्य आजकल दैनिक आप देखते हैं, सैनिटेशन, अप्रूवल ऑफ द हाउस बिल्डिंग, ये सब कार्य है वो सफाई, शहर की नगर की पूरी सफाई व्यवस्था, इन सब ये कार्य है वो नगर निगम के द्वारा है वो किए जाते हैं। इसके अलावा नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्वायत्त संस्था है, स्थानीय शासन इनको पावर दिए गए हैं। स्वायत्त तब होगी जबकि वो वित्तीय दृष्टि से स्वायत्त हो, तो इसका अपना खुद का राजस्व इनको एकत्रित करना पड़ता है, और वो राजस्व वो कैसे एकत्रित करिए, करों के द्वारा, टैक्सेस द्वारा, म्यूनिसिपल टैक्सेज होते हैं कई तरह के, संपत्ति कर, वाहन कर, पशु कर, विज्ञानों पर कर, आप कोई शहर में होर्डिंग भी लगाएंगे तो उसका टैक्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देना पड़ेगा, व्यवसायिक कर, मनोरंजन कर, अतिरिक्त फीस वसूली की जा सकती है जब कोई अतिरिक्त आयोजन होता है, जैसे आप प्रदर्शनी लगा रहे हो, सर्कस लगा रहे हो, आवारा पशुओं पर, ये सब अतिरिक्त कर है वो लगाए जा सकते हैं। तो पहला वो अपने खुद के रिसोर्सेज से करों के रूप में अपने राजस्व का संग्रह करती है। इसके अलावा राज्य द्वारा निश्चित अनुदान भी दिया जाता है, तो उसके वित्तीय स्रोत क्या है, खुद के जो करों के माध्यम से वो लेते हैं, और दूसरा के राज्यों के द्वारा ग्रांट्स इन एड, अनुदान के द्वारा, और जब अनुदान देते हैं तो इन पर थोड़ा बहुत इनकी स्वायत्तता में कमी आना स्वाभाविक है, क्योंकि चेक इन पर किसी न किसी प्रकार का अवरोध है, अनुदान देने वाली संस्था है वो लगा सकती है। तो ये इनकी वित्तीय स्थिति के बारे में। अब यदि हम बात करें कि किस रूप में इनको ऑटोनॉमी है, क्योंकि ये स्थानीय निकाय है, अधिकार प्रदत्त किए हुए हैं, इनकी नगर निगम की, नगर पालिकाओं का अपनी सूची है, इनको 18 विषय हस्तांतरित किए गए हैं, तो कहाँ तक इनको ऑटोनॉमी है, कहाँ तक स्वायत्तता है, और स्वायत्तता कभी पूर्ण हो नहीं सकती एक राज्य में, स्वायत्तता के साथ इनका उत्तरदायित्व किस सीमा तक है। स्वायत्तता का सामान्य अर्थ यदि कहें कि कोई भी इकाई है संवैधानिक परिधि में स्वयं के प्रशासन, प्रबंध या नियम निर्माण का अधिकार उसमें निहित, उसको हम स्वायत्त शासी संस्था कह सकते हैं, अर्थात एक कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रहते हुए अपना प्रशासन चलाने के लिए स्वतंत्र है, अपने नियम निर्माण के लिए स्वतंत्र है, उसको ये अधिकार प्रदत्त है, तो ऐसी संस्था को हम स्वायत्त शासी संस्था कहते हैं। एक नगर निगम स्वायत्त शासी संस्था है क्योंकि वो अपने नियम और उपनियम खुद निर्माण करती है, प्रशासनिक निर्णय लेती है, वो अपने कर्मचारियों को हायर, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर उनको छोड़ दें, प्रशासनिक कर्मचारियों को और अन्य कर्मचारियों की वो भर्ती करती है, गैर कानूनी यदि अतिक्रमण हो तो उनको हटाने का अधिकार रखती है, और कुछ मायने में है उनको आर्थिक स्वायत्तता भी प्राप्त है, क्योंकि वो करों के माध्यम से आय का संग्रह करती है। स्वायत्तता की आवश्यकता और उपयोगिता शासन करने की स्वायत्तता राज्य के प्रति उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था प्रिय विद्यार्थियों कि पूर्ण रूप से एक राज्य में कोई स्वायत्त संस्था नहीं हो सकती, उसका किसी न किसी रूप में उत्तरदायित्व राज्य के प्रति या केंद्र के प्रति है होना आवश्यक होता है। तो इन रूपों में अपने कानून निर्माण में, कानूनों की क्रियान्विति में, भर्ती में, राजस्व संग्रह में इनको स्वायत्तता देने के साथ साथ इनका उत्तरदायित्व भी है, और उत्तरदायित्व किसके प्रति है, राज्य के प्रति है। राज्य पर्यवेक्षण कर सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, कब, जब कोई भी नगर निगम
अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर देती है, अपनी परिधि का अतिक्रमण कर देती है। वो बहुत अधिक स्वायत्त शासी होने की कोशिश करती है कानूनों के दायरे से बाहर हटकर, तो उस पर नियंत्रण करने का अधिकार भी राज्य सरकार को होता है। और नियंत्रण के उनके कई तरीके हैं, कमेटी जांच भेज सकती है या अपने अधिकारियों को या अन्य अपनी एजेंसीज, जो जांच एजेंसीज है उनका उपयोग करते हुए जांच कर सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने बताया पूर्ण स्वायत्तता नहीं हो सकती, तो स्वायत्तता और पूरी तरह से उनको यदि कंट्रोल करके नियंत्रित करके रखा जाए ये भी उचित नहीं है, फिर वो स्वायत्त शासी संस्था नहीं कहलाएगी। इसलिए स्वायत्तता व उत्तरदायित्व में संतुलन होना जरूरी है। यहाँ संतुलन का अर्थ यह है कि बहुत ज़्यादा उसकी स्वायत्तता को सीमित नहीं किया जाए और बहुत ज़्यादा उनको लिबर्टी या फ्रीडम भी नहीं दी जाए, उनके बीच में पर्याप्त संतुलन होना चाहिए। अनिवार्य होने पर राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए और अन्यथा अननेसेसरी अनावश्यक रूप में राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको नगर निगम जो कि नगरीय स्थानीय स्वशासन की सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी इकाई है, उस पर मैंने आपको चर्चा की। और इसमें मैंने आपको उसकी थोड़ा बहुत इतिहास के साथ साथ इसका ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट, इसकी परिषद काउंसिलर्स, उसकी अवधि, इसके अलावा उसके पदाधिकारी, मेयर, उपमेयर, म्यूनिसिपल कमिश्नर इत्यादि, इनकी भिन्न भिन्न प्रकार की समितियाँ, इनके कार्य, कहाँ तक इनको स्वायत्तता होनी चाहिए, कहाँ तक इनमें उत्तरदायित्व होना चाहिए, इन सब पर चर्चा की। मैं समझता हूँ नगर निगम की संरचना, उसके कार्यों, उसके संगठन, उसके पदाधिकारी इत्यादि के बारे में मैं आपको शायद कुछ जानकारी देने में सफल हुआ हूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, स्थानीय स्वशासन का आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और रूट लेवल डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं हम, उसका सफलता है वो इन स्थानीय निकायों की सफलता पर निर्भर करती है। तो महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय है और बहुत प्रभावी ढंग से भारत में काम कर रही है, तो इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ही अनिवार्य है। शायद कुछ जानकारी आपको मिली होगी पर ये पर्याप्त नहीं है। आप भिन्न भिन्न स्रोतों से, पुस्तकों से, जो संविधान संशोधन जो मूल रूप में उपलब्ध है उसके माध्यम से या अन्य रचनाओं के माध्यम से, अखबार की न्यूज़ के माध्यम से अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करेंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है, जिससे कि आपका ज्ञान जो आपने थोड़ा बहुत प्राप्त किया है उसको और आप विस्तृत कर सकते हैं, आपके लिए उपयोगी होगा। मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।